नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की आज हड़ताल की कॉल। लाहौर समेत सूबा भर के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार काउंसिल ने नई जुडिशल पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन का केस, राय एजाज और कामरान मुमताज समेत 11 मुलजिमान को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर मुकदमात की तफ्तीश, पेट्रोल बिल्स, अलाउंसेस, शहदा फंड्स में करप्शन का इल्जाम है। पुलिस फंड्स में मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए की करप्शन हुई, नैब का मौकिफ। ससुरालिये कातिल बन गए। मिल्लत पाक के इलाके आजम चौक में ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। 35 साल नसरीन को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया मगर जानबर ना हो सकी। 35 साल नसरीन की 3 माह कबल शहजाद से शादी हुई, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। नसरीन को इसके खावन शहजाद, देवर और सास ने आग लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, इनके सीने और बाजू में मुसलसल दर्द है। अवाम नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ करें। मरीम नवाज का कोट लखपत जेल में बारिक से मुलाकात के बाद ट्वीट। बाको के शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 48% रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज से कम दर्जा हरारत 11, ज्यादा से ज्यादा 24। और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल म्यूजिक परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। फैशन शो में तलबा के रैंप पर जलवे।